चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां लकड़ी की दो मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगी। रोहिणी के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की यह पूरी घटना है। आग सुबह करीब 5 बजे लगी थी, फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लकड़ी की यह फैक्ट्री बताई जा रही है, दो मंजिला फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है, एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, रोहिणी के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी घटना जहां लकड़ी की दो मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घटना सुबह 5 बजे की है जब ये आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री इस आग की चपेट में आ गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। आग दो मंजिला लकड़ी की एक फैक्ट्री में लगी। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस आग को देखा, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई, दमकल कर्मियों को दी गई। हर्षित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षित, आग कैसे लग पाई है, क्या खुलासा हो पाया है? देखिए, फिलहाल आग लगने के पुख्ता कारणों का अभी तक कोई भी साफ तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती जो चीज है उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। और दो मंजिला ये फैक्ट्री थी जिसमें नीचे की जो फैक्ट्री थी पहले उसमें आग लगी और देखते देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपने काबू में कर लिया। दूर से ही जो धुआं था वो देखा जा सकता था, लगते हैं बाहर निकल रही थी। दमकल की गाड़ी जब पहुंची है वहां पर आग को बुझाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई क्योंकि अंदर लकड़ी का सामान रखा हुआ था। लकड़ी का ये फैक्ट्री थी जहां पर लकड़ी के फ्रेम बनाए जाते थे, जो फोटो फ्रेम होते हैं, उसकी वजह से आग ने बहुत तेजी से फैलाव ले लिया और जो आग थी वो फैल गई। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू जरूर पा लिया है लेकिन कूलिंग का काम अभी भी लगातार जारी है। जी, अच्छा कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहा जा रहा है और आसपास के लोग काफी भयभीत हो गए होंगे, क्या सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बाहर निकाला गया था? नहीं, आसपास की जो फैक्ट्रियां थी उनको जरूर खाली करा दिया गया था लेकिन अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की तो लगातार जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आग लगने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बड़े हादसे भी हुए हैं और इसी के चलते एहतियात के तौर पर दोनों जो आसपास की फैक्ट्रियां थी उनको खाली करा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस फैक्ट्री में भी समय रहते सभी लोग बाहर निकल चुके थे जिसकी वजह से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो माल अंदर रखा हुआ था वो सभी जल करके खाक हो गया है। कितने का नुकसान है कुल मिलाकर के एस्टिमेट, ये जब कूलिंग का काम खत्म हो जाएगा तब जाकर के साफ हो पाएगा। जी हर्षित, इससे पहले भी आग लगी जैसा कि आप भी अभी बता रहे थे, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से इन फैक्ट्रियों का अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि यहाँ पर आग बुझाने के लिए उपकरण मौजूद है, सारी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए नियम कानून के तहत वो अवेलेबल है या नहीं है? देखिए, दिल्ली के अगर औद्योगिक इलाके हैं उनकी बात की जाए तो हर बार यहाँ पर जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद बयान आ जाते हैं, जांच की बात की जाती है और यही कुछ इस बार भी देखने को मिला था। जब पिछले दिनों आग लगी थी बड़े हादसे हुए थे, कई लोगों की जाने गई थी, तब जांच की बात जरूर की जा रही थी लेकिन अभी तक सभी जो फैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्रियल एरिया में उनके निरीक्षण पूरे नहीं हुए हैं। यही वजह है कि सारे नियमों को ताक पर रख करके इस तरीके की फैक्ट्रियां औद्योगिक इलाके में चलाई जा रही हैं और जिस समय आग लगती है समय रहते उन पर काबू नहीं पाया जा पाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बातों में और बयानी तौर पर बिल्कुल आती है, घटना के बाद बयान तमाम तरह के आते हैं लेकिन उससे अगर सबक लिया जाता तो ये घटनाएं बार बार ना हो। शुक्रिया आपका हर्षित तमाम जानकारी देने के लिए। रविंद्र जी, क्या कॉल मिली थी? हमें कॉल मिली थी कि बवाना इंडस्ट्री एरिया में सेक्टर 5A3 में आग, फायर की आग मिली थी, लगी हुई है। कोई इंजर्ड भी था उसके अंदर? कोई इंजर्ड नहीं है अभी तक फिलहाल। अब क्या स्थिति आग पे? स्थिति कंट्रोल हो चुकी है, आग तकरीबन बुझ चुकी है। तो अपनी कैट्स की कितनी गाड़ियां थी? हमारी कैट्स की 2 गाड़ियां अभी